डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास नाइन्थ, ये आपकी चैप्टर नंबर वन का सेल्फ असेसमेंट नंबर 1.10 है, जो कि फाइनल सेल्फ असेसमेंट है। और इसमें पूछते हैं कि क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द मोल्स ऑफ एस्पिरिन इन 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10^30 मॉलिक्यूल्स। यानी जो गिवन मॉलिक्यूल्स हैं वो 1.25 मल्टीप्लाई बाय 30 हैं। कहते हैं कि इतने मॉलिक्यूल्स कितने मोल्स में प्रेजेंट होंगे। तो इसका सॉल्यूशन ये है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये बराबर हैं 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10^30। अब जो चीज़ हमसे पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स, तो अब हम एवोगैड्रो लॉ का या एवोगैड्रो नंबर का इस्तेमाल करेंगे। एवोगैड्रो नंबर क्या कहता है? एवोगैड्रो नंबर इज़ इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10^23, एंड दिस इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ये हिंट हमें याद होना चाहिए। तो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये हैं और मोल्स हमसे मांगे जा रहे हैं। तो कंपैरिजन मेथड के ज़रिए से अब हम इसको सॉल्व करेंगे और ये कहेंगे कि 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10^23 मॉलिक्यूल्स ये बराबर होते हैं वन मोल के। तो वन मॉलिक्यूल ये बराबर होगा 1/6.022 मल्टीप्लाई बाय 10^23 के, एंड 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10^30 मॉलिक्यूल्स ये बराबर हो जाएंगे। एक मॉलिक्यूल अगर 1/6.022 × 10^23 के बराबर है, तो फिर इतने मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10^30 मल्टीप्लाई बाय 1/6.022 मल्टीप्लाई बाय 10^23 के। तो आप लोग अब हम 1.25 को डिवाइड करेंगे 6.022 से, इसका आंसर आएगा 0.207 मल्टीप्लाई बाय 10^30 यहाँ पर लग जाएगा, और ये जो 23 है ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो इस तरह हम लिखेंगे 0.207 मल्टीप्लाई बाय 10^ अब ये है 30 - 23, इसका आंसर आ रहा है +7। हम ये भी लिख सकते हैं 2.07 मल्टीप्लाई बाय 10^6। सो दिस नंबर ऑफ मोल्स विल कंटेन 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10^30 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस कंपाउंड। सेल्फ असेसमेंट 1.10 का सेकेंड पार्ट है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आर प्रेजेंट इन 1 बिलियन यानी 10^9 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। तो इसका सॉल्यूशन ये है, गिवन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम या गिवन नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स इज़ इक्वल टू 10^9 या 1 × 10^9 रिक्वायर्ड हैज़ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, हाउ मेनी मोल्स आर देयर। इसके लिए भी हमें पता होना चाहिए कि 1 मोल क्वांटिटी में हमेशा 6.022 × 10^23 एटम्स या पार्टिकल्स हुआ करते हैं, ये बात हमें जाननी है। तो अब हम जानते हैं कि
6.022 मल्टीप्लाई बाय 10^23 मैग्नीशियम एटम्स, ये बराबर होते हैं इसके वन मोल के, जबकि वन मैग्नीशियम एटम दिस विल बी इक्वल टू 1/6.022 मल्टीप्लाई बाय 10^23 मोल्स के एंड 10^9 मैग्नीशियम एटम्स विल बी इक्वल टू 10^9 मल्टीप्लाई बाय 1/6.022 मल्टीप्लाई बाय 10^23 मोल्स के। अगर हम अब हम किस तरह सॉल्व करेंगे, 1/6.022 इसका आंसर लाएंगे 0.166 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर 10^9 है और यहाँ पर 10^23 है, तो ये हो जाएगा 10^9 - 23 एंड दिस इज इक्वल टू 0.166 मल्टीप्लाई बाय 10^9 में से 23 माइनस करें तो इसका आंसर आएगा -14, या ये भी लिख सकते हैं हम कि ये बराबर है 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10^-15 मोल्स के। तो दिस वाज द फाइनल सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 9th केमिस्ट्री। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे इनबॉक्स कीजिए, इंशाल्लाह मैं उनका जवाब आपको दूंगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया वीडियो देखने का। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको केमिस्ट्री के अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। शुक्रिया, गुड बाय।